रविवार शाम के 7 बजने वाले हैं एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना एसआर खान। पहली बार टीवी इंडस्ट्री में नई संसद से चुनावी शो देख रहे हैं आप। 2024 कौन जीतेगा, देश का सबसे विश्वसनीय इलेक्शन शो है ये, जहां आप हर खबर सटीक विश्लेषण के साथ रोज मेरे साथ देखते हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान में जान लीजिए आप, 291 दिन का वक्त बाकी रह गया है और आज इस संसद से मैं आपको बताऊंगी देश की बड़ी सियासी खबरें, जिसको लेकर कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। शुरुआत करते हैं 24 की खबरों को धार देते हैं। तीन देशों की यात्रा के बाद देश लौटे पीएम मोदी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया पीएम का भव्य स्वागत। विदेश दौरे से लौटे पीएम मोदी ने इशारों में कसा विपक्ष पर तंज, कहा भारतीय इवेंट में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ मौजूद था वहां का विपक्ष। ऑस्ट्रेलिया से लौटने पर पीएम के भव्य स्वागत पर कांग्रेस ने साधा निशाना। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा देश लौटने पर हम भी पीएम का स्वागत करेंगे, अगर वो नीरव मोदी और ललित मोदी हो। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। कहा 2014 से पहले उत्तराखंड को औसतन 200 करोड़ से भी कम रेल बजट मिलता था, इस साल उत्तराखंड का रेल बजट 5000 करोड़। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुंबई में मुलाकात की, दिल्ली सरकार के अधिकारों पर केंद्र के लाए गए अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन। नई संसद पर छिड़े विवाद पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 28 मई का दिन ऐतिहासिक, लोकतंत्र को कमजोर कर रही विपक्ष की बयानबाजी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा संविधान में राष्ट्रपति सर्वोपरि, राष्ट्रपति को करना चाहिए नए संसद भवन का उद्घाटन। पुराने बयान पर बोले मैंने कभी नहीं कहा पीएम को करना चाहिए उद्घाटन। कर्नाटक में हिजाब और धर्म परिवर्तन समेत 10 कानून वापस लेगी कांग्रेस सरकार। मंत्री प्रियांक खड़गे एबीपी न्यूज से बोले कर्नाटक की प्रगति में बाधक है ये कानून। प्रियांक खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, एबीपी न्यूज से बोले जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों की कर्नाटक में सरकार। कर्नाटक मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक, बैठक में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी रहे मौजूद। मिशन हरियाणा में जुटी आम आदमी पार्टी, सांसद सुशील गुप्ता बने प्रदेश अध्यक्ष, अशोक तंवर को बनाया कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष। 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी बीएसपी, पार्टी सुप्रीमो मायावती कर रही है ताबड़तोड़ बैठक। महाराष्ट्र में पार्टी मजबूत करने पर जुटी मायावती, पार्टी को मजबूत करने के दिए निर्देश। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा अगर मैं नेताओं को सलाह देकर जीत दिला सकता हूं, तो बिहार की जनता को जीत दिला सकता हूं। 2024 में बिहार की जनता अगर नया विकल्प खोजेगी तो उनकी मदद करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।